1919 रोलेट एक्ट के विरोध में स्वदेशी आंदोलन सत्याग्रह, बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन, विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर जनता की आवाज। 1920 खिलाफत और असहयोग आंदोलन, गांधी जी का नेतृत्व, स्वराज के लिए जनता का संगठित आंदोलन। 1924 गांधी जी यरवदा जेल में, पूर्ण स्वराज की मांग। नमक सत्याग्रह की शुरुआत, दांडी यात्रा। 1930 सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, मानो जन जागरण के बीज मंत्र बन गए। घर घर में चरखे का चलन, स्वावलंबन का प्रतीक चरखा। अहिंसा, असहयोग, स्वराज, स्वावलंबन, निडरता, ये केवल शब्द भर नहीं थे। जी हाँ, ये धुरी थे एक जन आंदोलन के, सत्ता के विरोध में खड़े होने की ताकत दी थी इन शब्दों ने। आयशा, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन शब्दों से जुड़ी भावनाओं को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। यही नहीं अमन, आज तक उन भावनाओं को सहेज कर भी रखा है, गांधी जी के जीवन दर्शन को व्यवहार में उतारा है। ऐसे बहुत से लोग हैं और उनमें से एक है डॉक्टर सीता बिंद्रा। आजादी से जुड़े अनुभवों को फिर याद करते हैं डॉक्टर सीता बिंद्रा के साथ, उनसे मिलकर ही जानते हैं उनके बारे में, उस दौर के बारे में। जहां राम ने जन्म लिया था, जहां राम ने जन्म लिया था, वहीं आज जन्मा गांधी, वहीं आज जन्मा गांधी। उथल पुथल की, चहल पहल की, वही एक भीषण आंधी। जय गांधी, जय गांधी, सब जन बोलो जय गांधी, सब जन बोलो जय गांधी। घर घर चरखे लगे गरजने, घर घर चरखे लगे गरजने, सबने अपना लिखा दी, सबने अपना लिखा दी। टोपी कुर्ता धोती चप्पल, रहनी बना ली सादी। जय गांधी, जय गांधी, सब जन बोलो जय गांधी। देख भव्या, कितना सुंदर गीत गाया सीता जी ने। हाँ सीता जी, आपने इन गीतों को आजादी आंदोलन के दौरान गाया था, आप उस वक्त कितनी बड़ी थी, क्या माहौल था उस वक्त, कुछ बताइए ना। स्वाधीनता आंदोलन के वे दिन कैसे गजब के उत्साह से भरे थे। जब हम उक्त गीत गाते थे तो ऐसा लगता था मानो चारों दिशाएं हमारे साथ गांधी जी का जय जयकार कर रही, पूरा वायुमंडल जय गांधी के उद्घोष से निनादित हो उठता था। मैं 8-9 वर्ष की बालिका थी। मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। अंग्रेज ने अफसरों को बहुत बड़ी बड़ी कोठियां दे रखी थी। हम तीन बहनें और हमारे आसपास की कोठियों में रहने वाले और भी बच्चे मिल करके हम 15 लड़कियां हो जाती, और रविवार तथा हर छुट्टी वाले दिन अपने बहुत बड़े 100 कोठियों के लगभग बड़े ब्लॉक में इकट्ठे होकर सबसे बड़ी लड़की के हाथ में एक खूब बड़ा डंडा होता, उसके ऊपर हमारा प्यारा प्यारा तिरंगा लहरा रहा होता। हम सभी 15 लड़कियां उसके पीछे पंक्तिबद्ध होकर देश भक्ति के गीत पूरे जोशो खरोश के साथ अंग्रेजों की कोठियों के आगे से गाते हुए निकलती। सबसे पहले हमारी टोली प्रभाती गाती। प्रभात फेरी क्यों होती थी, इसका क्या उद्देश्य था? दीदी, प्रभात फेरी हर स्थान पर होती थी। आम लोगों में जागृति लाने के लिए प्रभात फेरी निकाली जाती थी। इसका उद्देश्य था सब लोगों को एकजुट करके
आज़ादी के पाने के लिए तैयार करना, और यह नमक कानून का जैसे उल्लंघन करके जगह जगह पर संघर्ष चल रहा था, इसी प्रकार प्रभात फेरियां भी देश भर में सर्वत्र होती रहती थी। इससे अंग्रेज़ को बहुत फर्क पड़ा, अंग्रेज़ को एहसास हो गया कि यह देश अब जाग गया है। जागने वाले से ही तो सब डरते हैं, सोने वाले से कौन डरता है। कोई प्रभात फेरी का गीत सुनाइए ना दीदी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से प्रीत लगा, यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हर गीत के बाद हमारी टोली खूब जोर से कहती वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो। हम भोली भाली बालाओं के दल में देश प्रेम की तरंग देखकर हमारे पड़ोसी भारतीय एवं अंग्रेज परिवार हम पर हंसते, और हम दुगने वेग से भर कर आजादी के गीत गाते। हाँ धर धीर जननी, हम बाल वीर तेरे सब कष्ट मिटा देंगे, भारत के मान सरोवर में आशा के कुसुम खिला देंगे, धर धीर जननी। इसके पश्चात हम चरखे का एक बहुत ही रोचक गीत खूब ऊंचे स्वर में गाते। मेरे चरखे की टूटे न तार चरखा चलता रहे, मेरे चरखे की टूटे न तार चरखा चलता रहे, इसकी मधुर मधुर आवाज चरखा चलता रहे, गांधी जी बांके दूल्हे बने हैं, गांधी जी बांके दूल्हे बने हैं, हो दुल्हन बनी सरकार चरखा चलता रहे, इसकी मधुर मधुर आवाज चरखा चलता रहे। इसी तरह के 15-20 गीत गाते हुए हम कोठियों के अन्य बच्चों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेते, और जब हम प्रभात फेरी निकालते थे तो 15 लड़कियां होती थी, और जब प्रभात फेरी ख़त्म होती तो हम 40-50 कन्याएं हो जाती थी। आपने बताया कि आप लगभग 9-10 वर्ष की थी जब आपने आज़ादी आंदोलन को देखा, और बच्चों ने कैसे योगदान दिया, आपको कोई घटना याद है दीदी? हाँ बच्चों, हमें आज़ादी के दिनों में निडरता की शिक्षा बाल्यकाल से ही दी जाती थी। गांधी जी का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का पूरे देश पर इतना असर था कि हम बच्चे किसी से डरते नहीं थे। इसी तरह की एक बड़ी मनोरंजक घटना याद आ रही है। हमारी बाल सेना ने एक दिन तपती हुई दोपहरी में झुलसाने वाली लू की परवाह नहीं की, और एक योजना बनाई। साथ की कोठी में मीठे मीठे जामुनों के पेड़ के जामुन तोड़कर खाने के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाया कि सब इसके जामुन खाएंगे। बस फिर क्या था, आनन फानन में 2 लड़कियां पेड़ पर चढ़ गईं और 4 लड़कियां
नीचे एक बड़ा सा दुपट्टा फैला करके चारों कोनों से पकड़कर खड़ी हो गई। अब जब ऊपर की लड़कियां जामुन तोड़ करके दुपट्टे पर गिराती तो हम इतना किलक उठे, खूब जोर जोर से बोलते, इस प्रकार ऊंची ऊंची आवाजों से मेम साहब जो सो रही थी उनकी नींद में खलल पड़ गया। वे बिफरती हुई आग बबूला होकर आई और गुस्से से बोली, तुम सब बच्चा लोग यहाँ क्या कर रहा है, जाओ अपना आहाता में। हमने कहा, मेम साहब हम तो अपने ही आहाता में हैं, आप जाइए अपना आहाता में, आपका आहाता इंग्लैंड में है। हम सब बच्चों ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, हम अपना आहाता में हैं, हमारे जामुन, हमारा देश, हमारा पेड़। उनको इतना गुस्सा आया, वे बोली, ब्लडी फूल, ये सब बातें तुम लोगों को किसने सिखाई हैं? हमने तपाक से कहा, गांधी जी ने। दीदी, बापू के संदेश लोगों तक कैसे पहुंचते थे? उस वक्त टीवी और रेडियो जैसी चीज तो कोई उपलब्धि नहीं थी। बच्चे, आपने जो प्रश्न किया है, उस समय संदेश बापू के एक एक की जबान पर होते थे। समाचार पत्र, नई नई पत्र पत्रिकाएं, यहाँ तक के चना जोर गरम वाले का कोन नुमा जो कागज होता था और जायकेदार चूरन वाले का, उसके भीतर भी बापू के संदेश लिखे होते थे। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों की नित्य प्रति नई नई कविताएं बापू के संदेश को लेकर छपती थी। आप बच्चों ने वो पुष्प की अभिलाषा वह कविता तो पढ़ी ही होगी, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। इस प्रकार बापू के संदेश आए दिन देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले जांबाज स्वाधीनता सेनानियों की गिरफ्तारियों के द्वारा भी बैठकें कर करके भी वो संदेश देते और नित्य प्रति छोटी छोटी किताबें छपती थी। उन गीतों की स्वरलिपियाँ आसपास रहने वाले बड़े बूढ़े बना करके हम बच्चों को सिखाते थे। और जैसे ही बापू के संदेश का किसी को ज्ञान होता था, वो झट से विद्यार्थी अपने स्कूल छोड़ देते, महाविद्यालय में पढ़ने वाले कॉलेज छोड़ देते और सरकारी नौकरियों में काम करने वाले अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ देते और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ते। इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम में हर एक बच्चे का, हर एक बड़े का, सबका योगदान था और कोई भी डरता नहीं था। बापू ने सिखाया ही यही था कि चाहे कितनी भी मार पड़े, आपने आगे से उसका प्रतिकार नहीं करना और वार को झेल जाना है। इस प्रकार बापू के संदेश पहुंचते थे और पूरा देश निर्भय हो गया था। एक प्रसंग याद आ रहा है, क्लब में नृत्य संगीत, वाद विवाद, खेलकूद, बच्चों के लिए अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं। इनमें मैंने संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया, उसमें मैंने गाया, तप रहा बापू अकेला, अमृत वितरित कर मनुज को, अमृत वितरित कर मनुज को, पी रहा विष स्वयं प्रतिक्षण, पी रहा विष स्वयं प्रतिक्षण, ताकि नंदन हो रणांगण, ताकि नंदन हो रणांगण, तप रहा बापू अकेला। मुझे गायन में प्रथम पुरस्कार मिला। बापू ने सभी वर्णों के बीच का भेदभाव समाप्त किया, क्या यह सत्य है? आपको कोई घटना याद है तो हमें बताएं। आज़ादी से पूर्व की घटना है, अमृतसर में हमारे घर में एक सफाई कर्मचारी की 15 वर्षीय बेटी बचनी मेरी माँ के साथ
खाना बनाने के काम में हाथ बंटाती थी। उसे खाना बनाने का बिल्कुल शौक नहीं था और मुझे बहुत शौक था। ख़ास तौर पर शाम के समय जब हम सब बच्चे खेलने जाते उसका भी मन लालायित हो जाता। मैं उसे खेलने भेज देती और स्वयं चपाती बनाने लगती। मेरी बहनें जाके माँ को शिकायत कर देती। मैं उदास रहने लगी। एक दिन शाम को मैंने एक तरकीब सोची। मैंने देखा बचनी हमारे घर चपाती सेक रही है। मैं अपने नौकर क्वार्टर यानी बचनी के घर चली गई। बापू का प्रभाव ऐसा था कि हम उन्हें मौसी जी कहते थे और बचनी के पिताजी को चाचा जी। तो मैंने कहा कि मौसी जी मुझे चपाती बना लेने दीजिए, मेरा बड़ा मन कर रहा है। उसने कहा अरे ये क्या कर रही हो, तुम तो साहब की बेटी हो, हमारे अन्नदाता हो, भला तुम क्यों सेकोगी हमारे यहाँ रोटी। मैंने बहुत अनुनय से कहा कि नहीं नहीं मेरा बड़ा जी कर रहा है। वह मेरे बाल हट के आगे झुक गई और बोली चल बिटिया अपना चाव पूरा कर ले। मैं चपाती बनाने लगी। अभी दो ही चपाती सेकी थी कि बचनी के मामा सामने चारपाई बिछी थी उस पर आकर बैठ गए और अपनी बहन से बोले अंगूरी ये लड़की कौन है। उसने कहा साहब की बेटी। तो उन्होंने कहा हमारी बेटी कहाँ है। कहने लगे जी वो साहब के यहाँ रोटी बना रही है। वो बड़े ज़ोर से हंसे और बोले वाह बापू तेरी क्या माया है, साहब की बेटी हमारे यहाँ रोटी पकाएगी और हमारी बेटी साहब के यहाँ, जुग जुग जियो बापू। आज़ादी आंदोलन में नमक शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है, क्या था ये नमक, इसका आज़ादी आंदोलन से क्या संबंध? बहुत सुंदर प्रश्न है। नमक एक इतनी छोटी सी चीज़ है कि लॉर्ड इरविन ने कहा कि अगर एक चुटकी भर नमक गांधी उठा लेगा तो क्या ब्रिटिश सल्तनत हिल जाएगी। और लॉर्ड इरविन और लॉर्ड वेलिंगटन जिन्होंने खूब अत्याचार किए थे वो देखते ही रह गए कि एक चुटकी भर नमक से ही ब्रिटिश सल्तनत हिल गई। गांधी जी ने पूरे देश में ऐलान कर दिया कि स्थान स्थान पर सब नमक बनाइए, समुद्री पानी से नमक बनाने के लिए पैम्फलेटों की बाढ़ आ गई। घर घर पैम्फलेट जो हैं वो बांटे जाने लगे जिनमें समुद्री पानी से नमक बनाने की विधि लिखी हुई थी और लोग जगह जगह कानून तोड़ने लगे, उनको मारा जाता पीटा जाता। लेकिन बापू ने कहा था एक हाथ में नमक है उस नमक को आपने छोड़ना नहीं है भले ही हाथ टूट जाए। इस प्रकार आज़ादी के आंदोलन के साथ नमक कानून का अभिन्न संबंध है। नमक कानून के द्वारा उसका भंग करके ही उसके साथ देश की आज़ादी की लड़ाई जोर शोर से जो है वो चल पड़ी। नमक कानून को तोड़ने वालों के लिए शर्त थी वे स्वदेशी का आग्रह रखेंगे, हाथ कता हाथ बुना कपड़ा पहनेंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे और विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करेंगे और बहुत खुशी खुशी वे गिरफ्तार हो जाएंगे। जुल्म के आगे झुकना नहीं है लेकिन जुल्म सहना भी नहीं। मेरी जान रहे मेरा सर न रहे, मेरी जान रहे मेरा सर न रहे, सामान रहे ना ये साज रहे, सामान रहे ना ये साज रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे।
जरा